आज के इस वीडियो में क्लास 11th के थर्ड चैप्टर नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं इसके बारे में देखेंगे। जिस पद्धति के अनुसार संख्याएं लिखी जाती हैं और उसका मान निकाला जाता है उसे नंबर सिस्टम कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धति है डेसिमल नंबर सिस्टम। इसे हम जनरली मैथ में देख सकते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक की जो संख्याओं में आपस में कैलकुलेशन करते हैं वो पूरी डिजिट 0 से लेकर के 9 तक की डेसिमल नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आती हैं। इस प्रकार जो संख्याएं हम जानते हैं पढ़ते हैं वह डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके अलावा भी नंबर सिस्टम के और प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम के मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं। फर्स्ट नंबर है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, थर्ड है डेसिमल नंबर सिस्टम और फोर्थ है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों नंबर सिस्टम का अलग अलग बेस है और इन सभी का आपस में कन्वर्जन भी है। बेस से हम उस नंबर सिस्टम को पहचानते हैं कि दिया गया बेस किस नंबर सिस्टम या कौन सा क्वेश्चन को किस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर रहा है। आइए देखते हैं। दी गई इस टेबल में नंबर सिस्टम के बेस दिए हैं और उन नंबर सिस्टम में आने वाली डिजिट्स दी हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पर है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस है यहाँ पर 2। 2 बेस इसलिए क्योंकि बाइनरी में केवल 2 डिजिट ही होती हैं, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस है वह 2 है। नेक्स्ट नंबर पर है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट होती हैं। इस प्रकार 0 से लेकर के 7 तक की कुल डिजिट हो गई 8। इस प्रकार ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस है वह 8 है। थर्ड नंबर पर है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट आती हैं, कुल टोटल हो इनकी 10। इस प्रकार डेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वह 10 है। फोर्थ नंबर पर है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें 0 से लेकर के 9 तक की कुल 10 डिजिट और ए से एफ तक के अल्फाबेट के लेटर होते हैं 6 लेटर। तो 0 से लेकर के 9 तक की 10 संख्याएं और ए से एफ तक के 6 लेटर, 10 और 6 इन सब का टोटल हो गया 16। इस प्रकार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वह है 16। इस प्रकार आगे हम इनके अब कन्वर्जन पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला कन्वर्जन आता है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, अर्थात बाइनरी संख्या को डेसिमल संख्या में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन दिया हुआ है 1101 बाइनरी संख्या में और हमें चेंज करना है डेसिमल संख्या में। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हमारे पास ये हेडिंग न दी हो और केवल ये क्वेश्चन दिया हो तो हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे हमने बताया अभी पिछली टेबल में कि उनके बेस से पहचानेंगे। यहाँ पर जो बेस लिखा है 2, अर्थात उस कोष्ठक के अंदर दी गई संख्या बाइनरी में है, और यहाँ पर बेस दिया है 10, अर्थात हमें डेसिमल में चेंज करना है। इस प्रकार हम उस क्वेश्चन के लगे हुए बेस से हम उसे पहचान सकते हैं कि किस क्वेश्चन को किस में चेंज करना है, अर्थात दिए गए क्वेश्चन को किस में चेंज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है बाइनरी संख्या के प्रत्येक बिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और दाएं तरफ से उसके ऊपर घात रखेंगे। तो इसमें आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। अब 2 के ऊपर घात रख देंगे तो इसकी आ जाएगी 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, 8 बन जाए 8। 2 की पावर 2 हो जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 4। 2 की पावर 1 हो जाएगा 2 और 2 मल्टीप्लाई 0 ये हो जाएगा 0।
फिर 2 की पावर 0 अर्थात किसी की भी पावर 0 हो तो इसका टोटल हो जाता है 1, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। दी गई चारों डिजिट 8, 4, 0 और 1, अब इसे हम आसानी से टोटल कर लेंगे, वही हमारा रिजल्ट होगा। इसका टोटल आ जाएगा 13 अर्थात 1101 बाइनरी का मान आ जाएगा 13 डेसिमल पे। इसका अपोजिट कन्वर्जन है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। दी गई संख्या डेसिमल की 13, उसको चेंज करना है बाइनरी संख्या में। तो क्या करेंगे इसमें हम डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के का जो रूल है वह है कि दी गई संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उसे राइट साइड वाले कॉलम पे लिखते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे। संख्या 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2×6 हो जाएगा 12 और शेष बचेगा 1। जो भी शेष बचेगा उसे राइट साइड वाले कॉलम पे हम उसे मान को लिखते चले जाएंगे, वही हमारा आगे जाके रिजल्ट बनेगा। फिर 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 2×3 हो जाएगा 6, शेष बचेगा 0 अर्थात पूरा पूरा ये कट गया। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2×1=2 और शेष बचेगा 1। हम चाहते हैं तो यहीं से हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं अर्थात 1, 1, 0 और 1, लेकिन जनरली देखा जाए तो हम तब तक सॉल्व कर देंगे जब तक कि लास्ट पे 0 ना जाए। तो क्या करेंगे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे और अब ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या हो क्या करेंगे हम 1 को राइट साइड वाले कॉलम पे लिख लेंगे और नीचे उतार देंगे 0, क्योंकि हमने उस 1 को राइट साइड वाले कॉलम पे शेष फल को लिख लिया, लास्ट में बचा 0। इस प्रकार इसका आंसर आ जाएगा, अब इसे हम नीचे से ऊपर क्रम में लिख लेंगे इस प्रकार, तो आंसर आ जाएगा 1101। ये हमारा आंसर आ गया बाइनरी पे। आगे चलते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम पे। ऑक्टल नंबर सिस्टम में जैसा कि बताया इसका बेस होता है 8 और इसमें 0 से लेकर के 7 तक की डिजिट होती हैं। इसे हम आसानी से टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। दी गई ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो कुल वैल्यू होती हैं 0 से लेकर के 7 तक की, उसके बाइनरी मान होते हैं। अब बाइनरी मान अगर हमें निकालना नहीं आता अर्थात ऑक्टल नंबर सिस्टम की ये टेबल बनाना नहीं आती तो हम ऑक्टल नंबर सिस्टम के कन्वर्जन को हमें सॉल्व करने में कठिनाई होगी। तो आइए देखते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम की टेबल ये बनेगी कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे ऑक्टल नंबर के प्रत्येक डिजिट को लिख लेंगे इस प्रकार 7 तक, और फिर ये इनके बाइनरी मान निकालेंगे, बाइनरी मान लिखेंगे। तो बाइनरी मान की स्टार्टिंग करेंगे 000 से और एंडिंग होगी इसकी 111 से। जब ये बनाना ना आए तो मैं इसकी आसान सी ट्रिक बता दूं कि इसमें ऑक्टल नंबर में नंबर सिस्टम की बाइनरी वैल्यू जो दी हैं ये 3-3 के ग्रुप में हैं। सभी देख लीजिए 3-3 के ग्रुप में हैं। क्या करेंगे पहले वाले कॉलम में अर्थात 1, 2, 3 कॉलम बने हुए हैं 3-3 के ग्रुप में हैं, तो पहले वाले कॉलम में 4×0 रखेंगे और 4×1 रख देंगे। ठीक है, पहले वाले कॉलम में हम 4×0 और 4×1 रख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे सेकेंड नंबर वाले कॉलम में 2×0 और 2×1, फिर 2×0 और 2×1 रख देंगे। फिर क्या करेंगे थर्ड वाले कॉलम में 1×0, 1×1 मतलब 1×0, 1×1, फिर 1×0, 1×1, 1×0, 1×1, 1×0, 1×1। इस प्रकार हमारी ये पूरी टेबल ऑक्टल नंबर सिस्टम की आसानी से बन जाएगी। या जब ये भी ना आए तो गिनती एब्सोल्युटली सबको आती होगी, तो 0 और 1 से बनी गिनती हम यहाँ पर रख देंगे। तो 0 के लिए हमने लिखा 0, 1 के लिए लिखा 1, 2 के लिए लिखा 10, 10 के बाद आ जाएगा 11, 100, 101, 110 और 111। जो भी डिजिट आपको अच्छी लगे आप उसे समझ लीजिए और वही ऑक्टल नंबर सिस्टम की टेबल बनाने में काम आएगी। इस प्रकार आगे चलते हैं इसमें हम इसके कन्वर्जन पे, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन इसमें है दी गई बाइनरी संख्या को ऑक्टल संख्या में चेंज करना है।
इसका सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे हम, अभी जो हमने टेबल बताई उस टेबल के अकॉर्डिंग प्रत्येक ऑक्टल संख्या की बाइनरी मान जो हैं वह तीन तीन के ग्रुप में दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम दी गई संख्या बाइनरी के प्रत्येक बिट को दाएं तरफ से तीन तीन के जोड़े में बांट लेंगे इस प्रकार। और जब लास्ट में ये देखिए दो डिजिट येलो कलर की हैं, अर्थात ये इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि ये लास्ट में जोड़ा तीन बिट का नहीं बन रहा था। तो क्या बनाया, तो क्या ले बढ़ाया हमने, जीरो एक्सटेंड किया। तीन ग्रुप पूरा करने के लिए अर्थात तीन समूह में बाइनरी संख्या को पूरा करने के लिए हम जीरो जीरो ही एक्सटेंड करेंगे। चाहे एक डिजिट की कमी हो तो भी एक डिजिट एक्सटेंड करेंगे, दो डिजिट की कमी है तो भी हम दो डिजिट के लिए जीरो ही एक्सटेंड करेंगे। इस प्रकार हम अब टेबल से इसका मान देख लेंगे कि 001 किसका मान है, एक का मान है, 101 किसका मान है, पाँच का मान, फिर से 101 मान है पाँच का मान और 010 है दो का मान। इस दी गई संख्या को हम एक साथ लिख लेंगे, वही हमारा आंसर आ गया, वह आ गया 1552। इस प्रकार दी गई बाइनरी संख्या का ऑक्टल मान आ गया 1552। अपोजिट कन्वर्जन इसका ऑक्टल टू बाइनरी, अर्थात दी गई संख्या ऑक्टल को हमें बाइनरी में चेंज करना है। दिया गया क्वेश्चन 1552 हमें चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम पे। तो क्या करेंगे, वही जैसा कि टेबल मैंने बताया, उस टेबल में दो कॉलम थे, एक ऑक्टल के एक बाइनरी के। क्या करेंगे, दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1552 को अलग अलग लिख लेंगे और टेबल से इन चारों के मान रख देंगे। तो एक का मान आ गया 001, पाँच का मान आ गया 101, फिर अगेन पाँच का मान आ गया 101 और दो का मान आ गया 010। इन सभी चारों मानों को एक साथ मर्ज करके लिख देंगे, इस प्रकार वो हमारा आ गया रिजल्ट। अब स्टार्टिंग में अगर हम जीरो ना भी लगाएं तो भी हमारा आंसर सही माना जाएगा। इस प्रकार ये दोनों आंसर सही हैं। इसके बाद ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन है, अर्थात ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करना है। दिया गया क्वेश्चन 72 ऑक्टल में है और हमें इसे चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम पे। तो क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और दाएं तरफ से घात लगाएंगे, 7 × 8 प्लस 2 × 8। अब 8 के ऊपर पावर लगाएंगे और स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, यस जीरो से। तो 8 की पावर 0 और 8 की पावर 1, बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 8 की पावर 1 हो जाएगा 8 और 8 × 7 हो जाएगा 56 प्लस 8 की पावर 0, अर्थात किसी की पावर 0 बताया था कितना, 1, और 1 × 2 = हो जाएगा 2। इस प्रकार दोनों को ऐड कर लेंगे, 56 और 2 हो जाएगा 58। इस प्रकार दी गई संख्या 72 ऑक्टल का मान डेसिमल में आ जाएगा 58। अगला कन्वर्जन है डेसिमल टू ऑक्टल। दी गई संख्या डेसिमल 58 को चेंज करना है हमें ऑक्टल संख्या पे। क्या करेंगे इसमें, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, अर्थात दी गई संख्या 58 का को 8 से डिवाइड करेंगे। देखिए किस प्रकार, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 7 हो जाएगा 56, शेष बचेगा 2, उस 2 को हम शेष फल में अलग से राइट साइड वाले कॉलम पे लिखते चले जाएंगे। फिर 8 से डिवाइड करेंगे, अब ये 7 डिवाइड होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 को शेष फल वाले कॉलम में लिख लेंगे और नीचे उधर आएगा 0। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब हम इसे इस आंसर को नीचे से ऊपर वाले क्रम पे लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 72। इस प्रकार दी गई संख्या 58 का ये जो डेसिमल है 58, उसका ऑक्टल मान आ गया 72। क्या किया हमने, 8 से डिवाइड किया है और शेष फल को लिख लिया है। आगे आते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसा कि अभी हमने पढ़ा ऑक्टल नंबर सिस्टम की टेबल, सेम उसी प्रकार हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की भी टेबल है। इसमें ब्लैक कलर से डेसिमल प्लेसेस लिखे हैं और बीच में हेक्साडेसिमल और राइट साइड वाले कॉलम बाइनरी वैल्यू हैं। हमें केवल हेक्साडेसिमल के मान देखने हैं। दी गई संख्या हेक्साडेसिमल में उनके बाइनरी वैल्यू दी हुई हैं,
ऑक्टल नंबर सिस्टम में हमने क्या देखा था, प्रत्येक ऑक्टल नंबर सिस्टम की जो बाइनरी वैल्यू है वह तीन तीन के ग्रुप में थी, और यहाँ पर क्या है, ये चार चार के ग्रुप में है, ये सभी मान, ये सभी वैल्यू चार चार के ग्रुप में है। अब ये चार चार का ग्रुप कैसे बनेगा, अर्थात हेक्साडेसिमल की हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की टेबल कैसे बनेगी? तो बता दें कि जिस प्रकार ऑक्टल नंबर सिस्टम की टेबल क्रिएट की थी, उसी प्रकार हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की टेबल भी बना सकते हैं। दो प्रकार बताए थे हमने, या तो गिनती आती हो जीरो और एक से बनी हुई। देखिए, पहली हेक्साडेसिमल संख्या जीरो का बाइनरी मान है 4 × 0, अर्थात जीरो ये मान लिया गया। एक के लिए लिखा एक, दो के लिए लिखा 10, तीन का जाएगा 11, फिर 100, फिर 101, 110, 111, गिनती अगर सीरियल से बढ़ती जाए बस हो गया। 111 के बाद 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 और 1111, अगर गिनती आती है तो ये भी हमारी टेबल आसानी से बन सकती है। या फिर दूसरा जो आसान सा फार्मूला है, इसमें देखिए चार कॉलम दिए हुए हैं बाइनरी में, चार चार बिट में। तो सबसे पहला वाला कॉलम, अर्थात लेफ्ट साइड से सबसे पहला वाला कॉलम, कुल कितनी डिजिट हैं, 16। यहाँ पर हमारे पास कुल कितनी डिजिट हैं, 16 सब मिला करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले लेफ्ट साइड से कॉलम में 80 और 81 रख लेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक 80 रखे हुए हैं और फिर 81 यहाँ से लास्ट तक रख लेंगे। अब क्या करेंगे, आप सेकेंड नंबर वाले कॉलम में 40 और 41 रख लेंगे, ये 40 यहाँ तक और फिर 41, फिर 40 और फिर 41, सेकेंड नंबर वाले कॉलम की बात हो रही है। फिर थर्ड नंबर वाले कॉलम में क्या करेंगे, 20, 21 रखते चले जाएंगे और लास्ट वाले कॉलम में 01, 01, 01 ये सब रखते चले जाएंगे। इस प्रकार हमारी टेबल आसानी से क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर जो डेसिमल प्लेसेस दिए हैं, यह ये आइडेंटिफाई करने के लिए है कि हेक्साडेसिमल में दिया गया लेटर की पोजीशन क्या है। जैसे ए से एफ तक की जो लेटर दिए हुए हैं, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन यहाँ पर ये दी हुई है। तो ए किस पोजीशन पर है, 10वीं पोजीशन पर है, बी है 11वीं पोजीशन पर, सी 12वीं पोजीशन पर, इसी प्रकार एफ है 15वीं पोजीशन पर। आगे इसका यूज देखेंगे भी। चलते हैं कन्वर्जन पे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। दी गई संख्या बाइनरी को हेक्साडेसिमल पर चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या करेंगे इसमें कि संख्या को दाएं तरफ से चार चार के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। इस प्रकार अगर चार चार का ग्रुप नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे, जीरो ही बढ़ा देंगे और चार का ग्रुप पूरा कर देंगे। इस प्रकार ये जो येलो कलर का नंबर जीरो दिया है, यहाँ पर ये चार बिट पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने जीरो को एक्सटेंड किया है। अब क्या करेंगे, अब टेबल से इसका मान देख लेंगे। तो टेबल से इसका माना जाएगा, पहले का जाएगा 7, सेकेंड का जाएगा सी और थर्ड वाले का जाएगा 9, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की टेबल से। इन तीनों मानों को लिख लेंगे, यही हमारा आंसर आ गया, अर्थात 7C9 ये हमारा हेक्साडेसिमल पर आंसर आ गया। अगला कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। दी गई संख्या 7C9 को चेंज करना है बाइनरी में, आसान सा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये भी क्या करेंगे, 7C9 को अलग अलग लिख लेंगे और टेबल से इसका मान रख देंगे। 7 का मान आ गया 0111, सी का मान आ गया 1100 और 9 का मान आ गया 1001। दी गई संख्या बाइनरी को इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ ग्रुप करके लिख देंगे। इस प्रकार ये हमारा रिजल्ट आ गया, तीनों संख्याओं को ग्रुप करके लिख दिया। इस प्रकार 7C9 का बाइनरी मान निकल आया। ये दोनों आसान है क्योंकि हमारे पास टेबल अगर हमें आती होगी। अगला कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। दी गई संख्या हेक्साडेसिमल 7A9 को हमें चेंज करना है डेसिमल नंबर सिस्टम पर, तो क्या करेंगे, प्रत्येक डिजिट में 16 का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इस प्रकार 7 × 16 प्लस 10 × 16 प्लस 9 × 16। यहाँ पर मैंने लिखा 10 × 16, क्यों लिखा, जैसा कि मैंने बताया कि हेक्साडेसिमल पर
ए किस पोजीशन पर है, उसका डेसिमल मान क्या है, अर्थात दसवीं पोजीशन पर है, दस उसका डेसिमल प्लेसेस है। जैसा कि बताया कि अल्फ़ाबेट लेटर का मल्टीप्लाई नहीं होता, कैसे करेंगे, नहीं होगा, नहीं होगा, अर्थात ए मल्टीप्लाई 16 नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे कि ए की पोजीशन लिख लेंगे। आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा है ए इज इक्वल टू 10, अर्थात ए का मान हम क्या रखेंगे, 10। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन आसानी से डिजिट का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब दाएं तरफ से घात रख लेंगे 16 के ऊपर, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 16 की पावर 2 हो जाएगा 256, 256 सेवन जो हो जाएगा 1792। नेक्स्ट वाले का हो जाएगा 16 की पावर 1, ये हो जाएगा 16 और 16 10 जो हो जाएगा 160। अगले वाले को हो जाएगा 16 की पावर 0, अर्थात किसी की पावर 0 हो तो 1, और 1 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 9, और तीनों को टोटल कर लेंगे वही हमारा आंसर आ जाएगा। अगला कन्वर्जन है डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। 1961 ये दिया हुआ है डेसिमल पर, हमें चेंज करना है इसे हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम पर। क्या करेंगे, 16 से भाग देंगे 1961 का। देखिए इस प्रकार 1961 लिखा, अब इसे 16 से डिवाइड करेंगे तो कैसे 122 आएगा, अर्थात 16 एक कम 16, 19 में 16 गया 3 बचा, 3 को 6 के साथ देगा 36, 16 2 जा 32, और 36 में 32 चला गया 4, 4 को 1 के साथ देगा तो ये हो गया 41, और 16 2 जा हो जाएगा 32, 41 में 32 चला जाएगा, शेष बचेगा 9। सभी को आता होगा ऐसा करना है, उस शेष फल को लिख लेंगे हम राइट साइड वाले कॉलम पर। ओके, जो हमारा रिजल्ट आया 122, हम उसे फिर से 16 से डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे, जब तक कि लास्ट पे 0 ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 7 112, 122 में 112 गया बचा 10, और 10 की प्लेसेस वैल्यू, 10 की जो प्लेस वैल्यू है 10, उसमें हेक्साडेसिमल की कौन सी वैल्यू है, वह है ए। दसवीं पोजीशन पर हेक्साडेसिमल का मान लिखा है ए। अब फिर से डिवाइड करेंगे 7 को 16 से, तो 16 से डिवाइड नहीं होगा 7, तो क्या करेंगे, इसे हम राइट साइड वाले कॉलम पर लिख लेंगे और नीचे लिख देंगे 0। इस प्रकार नीचे से ऊपर क्रम पे आंसर लिख लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 7A9। ये हमारा हेक्साडेसिमल पे आंसर आ गया। अगला कन्वर्जन है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। अब यहाँ पर ना ही डेसिमल है ना ही बाइनरी है, इन दोनों कन्वर्जन अर्थात ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में हमने देखा, दोनों में टेबल देखा हमने, और दोनों टेबल में बाइनरी मान दिए हुए थे, अर्थात ऑक्टल नंबर सिस्टम अर्थात ऑक्टल नंबर की बाइनरी मान, और हेक्साडेसिमल की टेबल में हेक्साडेसिमल की बाइनरी मान दिए हुए थे, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, बाइनरी मान। ऑक्टल में 3-3 के ग्रुप में थे, हेक्साडेसिमल में 4-4 के ग्रुप में थे। ठीक है, आइए देखते हैं इसे। इसका क्वेश्चन है 472 ऑक्टल संख्या है, हमें निकालना है इसे हेक्साडेसिमल पे चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 472 को अलग अलग लिख लिया, इसका ऑक्टल मान निकाल लिया, ऑक्टल में संख्या है तो ऑक्टल की संख्या को सबसे पहले क्या किया, बाइनरी पर चेंज कर लिया, 4 की बाइनरी आ गई 100, 7 की आ गई 111 और 2 की आ गई 010। अब क्या करेंगे, हमें चेंज करना है हेक्साडेसिमल पर, तो हेक्साडेसिमल में बाइनरी के 4-4 के ग्रुप बने हुए हैं, अर्थात डिजिट दी गई डिजिट ये 100, 111 और 010 को राइट साइड से 4-4 के ग्रुप में इस प्रकार बांट लेंगे, अर्थात 1010 और इधर का 4 ग्रुप बन जाएगा 0011, और लास्ट वाला ये ग्रुप नहीं बन रहा है 4 बिट का, क्या करेंगे 0 एक्सटेंड करेंगे। यस, कितने 0 की आवश्यकता है, 3 0 की, अर्थात 4 बिट बनाने के लिए हमें 3 डिजिट की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे 0 ही एक्सटेंड करेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हेक्साडेसिमल की टेबल से इन 4 4 बिट वाले संख्याओं का मान नोट कर लेंगे, तो 0001 किसका मान आ जाएगा, 1 का, 0011 मान आ जाएगा 3 का, और 1010 मान आ जाएगा 1 का।
और यही हमारा आंसर हो गया 1, 3, 8। इस प्रकार दी गई संख्या ऑक्टल 472 का हेक्साडेसिमल में मान आ गया 1, 3, 8। केवल ये टेबल से ही रखना है, टेबल से ही मान को प्राप्त करना है। नेक्स्ट कन्वर्जन और लास्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। दी गई संख्या 1, 3, 8 को चेंज करना है ऑक्टल पे। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। 1, 3, 8 को क्या क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे। अब हेक्साडेसिमल की बाइनरी मान को लिख लेंगे, अर्थात हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो 1 का मान क्या आएगा 0001, 3 का मान आ जाएगा 0011 और 8 का मान आ जाएगा 1010। क्या किया हमने, दी गई संख्या हेक्साडेसिमल को बाइनरी पर चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, हमें ऑक्टल में चेंज करना है। तो ऑक्टल में बाइनरी के तीन तीन के ग्रुप होते हैं, हम दाएं तरफ से दी गई बाइनरी संख्या को तीन तीन के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे इस प्रकार, और ऑक्टल नंबर सिस्टम के मान को टेबल से रख देंगे। तो 000 मान हो गया 0 का, 100 मान हो गया 4 का, 111 मान हो गया 7 का, 010 मान हो गया 2 का। इस प्रकार हमारे सामने जो रिजल्ट आया वह आया 472। ठीक, इस प्रकार ये सभी कन्वर्जन ख़त्म होते हैं। इस चैप्टर में हमने पढ़ा नंबर सिस्टम और उसके प्रकार, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, और उन सभी के आपस में कन्वर्जन पढ़े। इस प्रकार इस चैप्टर में लगभग ये पूरा मैथ से रिलेटेड है, गुणा भाग और टेबल से रिलेटेड। तो कोई भी कन्वर्जन यदि समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।